अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नक़ाशी फ़न मुसव्वरी चित्रकारी क्या मुसलमान फ़न नक़ाशी के बानी हैं और आलमी इस्लाम में फ़न नक़ाशी किस हद तक अरूज पर रही, तो आइए इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम देखें कि अहद अब्बासी के दौर में फ़न नक़ाशी को कैसे अरूज मिला। अहद अब्बासी शान शौकत का दौर था, दौलत की रेल पेल थी, फनून लतीफा को आगे बढ़ाने का जज्बा और उनकी कदरदानी ने बगदाद को अहले हुनर का गहवारा बना दिया। अरबस्तान के नकाश दूसरे ममालिक से आकर यहाँ बस गए। खुल्फाए अब्बासिया के महलात के दोनों दीवार बाहर नकाशियों की हुनरमंदी से खूबसूरत हो गए। रंगों के मिजाज, तस्वीरों के मुफसल खत, कई दिलचस्प मौजूद से महल सराओं के दोनों दीवार सच गए। अगर फने नकाशी के इब्तदाई मराहल का गौर बतौर जायजा लिया जाए तो इब्तदाई मराहल में नकाशी कुदरती मनाजर तक महदूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानी खदो ख्याल इसका हिस्सा बन गए। ये महलात से निकलकर आम होने लगा। हमाम, मसाजिद, उमरा, वुजरा की हवेलियां भी खूबसूरत नक्शो नगार से मुजयन होती गई। फने नकाशी और मुसलमानों का क्या किरदार था? इब्तदाई मराहिल में नकाशी कुदरती मनाजर तक महदूद थी। बाद अज़ां ये 13वीं सदी में खुल्फ़ाए अब्बासिया ने ईसाई नकाशियों को मदऊ किया और दरो दीवार की बजाय कलमी नुस्खा जात को नक्शो नगारी से आरास्ता करने का काम उनके सपोर्ट किया और बहुत जल्द कलमी नुस्खों की औराक खूबसूरत तस्वीर और बेल बूटों से दीदा जेब हो गए। खूबसूरत नक्शो नगार से मुजयन हो गई। नकाशों की हमेशा से कोशिश थी कि तस्वीर को मतन से जोड़ दें और नुस्खों को हकीकी रंग दें। कुदरती रंगों के इस्तेमाल ने औराक को जिला बख्शी। सन 1213 में मशहूर नकाश अलवास्ती अरबी कलमी नुस्खे को इस कदर खूबसूरती से रास्ता किया कि लोग अंगिश्ते बेतनता रह गए। नाज़रीन, फारस में या ईरान में नकाशी को हमेशा से बड़ी अहमियत रही है। सियासी हालात के बाद नकाश फनकार बगदाद के बाद फारस की तरफ मुतवज्जह हुए और हरात का रुख किया। फारस में नकाशी दीगर ममालिक से आगे थी, ताहम वहाँ के नकाश भी बहुत हद तक अब्बासी नकाशों से मुतासर थे। ईरान के सफवी बादशाहों ने इसकी नाज बरदारी की। 14वीं सदी से 16वीं सदी तक ईरान की फन नकाशी तजयन कारी तक महदूद थी। सोने चांदी से सजी और आग रंगीन तस्वीर के साथ आंखों को खीरा करने लगे थे। मुसलमान सलातीन के ऐद में किताबों को नकाशी से मुजयन करने का बड़े पैमाने पर काम किया गया था। आपको नाजरीन बताते जाएं कि बहजाद ईरान का मशहूर नकाश और मुसव्वर था। उसने अपनी फन जिंदगी का आगाज हरात से किया था, लेकिन सियासी वजूहात के सबब तबरेज में सुकूनत अख्तियार की। उनके कई शागिर्दों ने भी तबरेज का रुख किया। जल्द ही तबरेज फन नक्काशी का गहवारा बन गया। इसके बाद कई नामवर मुसव्वरों ने मुगल बादशाहों के साथ ईरान से हिंदुस्तान का रुख किया और यहाँ फन नक्काशी को अरूज बख्शा। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि मंगोल या चीनी इम्तजाज ने नकाशियों को नई बुलंदी अता की थी। मंगोल हमलों के सियासी इंतजार ने फनून लतीफा को किसी हद तक नुकसान पहुंचाया, लेकिन मजे की बात है कि इनका डर भेजा था। ये जालिम हुक्मरान मुल्कों को तख्तो ताराज जरूर करते थे, लेकिन अहले हुनर के कदरदान भी थे। बहुत जल्द फनकारों को उनकी सरपरस्ती और कदरदानी हासिल हुई और बुखारा अहले फनून का मरकज बना। अब नकाशी एक कदम आगे बढ़ गई। इसमें चीनी नकाशी के असरात भी शामिल हो गए और इसमें जिद्दत भी पैदा हुई। रशीदुद्दीन की तसनीफ जामे अल-तवारीख इस इम्तजाज का बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन, इसके साथ साथ तुर्की के नकाशों ने भी कदे आदम तस्वीर को रवाज दिया। फन नकाशी की तरक्की में सलातीन तुर्किया ने भी अहम रोल अदा किया। वो भी फनून लतीफा के दिलदादा थे। उनकी तस्वीर में रंगों का इम्तिजाज गहरा और तजयन कारी के असरात शदीद थे।
इन नक्काशों के महबूब मौजूद जंगो जदल के मनाजर और फौजी हमले हुआ करते थे। बहरहाल सियासी हालात के बाद के अतदाल पर आने के बाद इनके मौजूद भी बदल गए। अब त्योहारों और इजमात वाकियात की तस्वीर कशी होने लगी। सूफियाना मौजूद और कद आदम तस्वीर का चलन आम हुआ। इन नक्काशों ने छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो दी। जो नक्काशी तुर्की नजाद नहीं थे उन्हें तुर्की नक्काशियों की सरपरस्ती हासिल थी। अलगर्ज ये मुख्तसर खाका इस बात का शायद है कि मुस्लिम हुक्मरानों ने फन नक्काशी की सरपरस्ती की और उसे फरोग देने में अहम किरदार भी अदा किया। आज भी उनके नक्काशी के नमूने कलमी नुस्खों की जान है और बैनुल मली कुतुब खानों और म्यूजियम का बेशबहा खजाना है। बहरहाल नक्काशी सिर्फ कागजी और दीवारों तक महदूद नहीं रही बल्कि शीशा सिरेमिक और टाइल्स पर भी बनाए जाने लगी। नक्काश का जहन और हाथ दोनों इस फन के बेहतरीन आलात हैं। नाज़रीन, ईरान और हिंदुस्तान की इम्तदाद से इंडिया में एक नया रवाज ज़ोर पज़ीर हुआ। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने रात में रोशन गेंद से चौगान की इब्तदा की थी, लेकिन इस पूरे मैदान को चावल के दाने पर दिखाने का कारनामा मुगल दरबार के मुसव्वर अब्दुल समद ने दिखाया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों ने फन लतीफ़ा की कदरदानी की और अपनी सरपरस्ती से उसमें चार चांद लगा दिए। मुगल फन मुसवरी में इनका बड़ा अहम किरदार था। मुगल फन मुसवरी हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के अहद में अपने मुनफरद और अनोखी वजा का एक फ़न है जिसे मुगल हुक्मरान अपने साथ वस्ते एशिया से लाए। दरअसल इस फन का मरकज ईरान था। अवलन मुगलों का फन मुसवरी खालिस्तन ईरानी था, तहम बाद में इसमें हिंदुस्तानी फन मुसवरी की आमेजिश भी शामिल हो गई। ये एक नया अंदाज अख्तियार कर गया। ईरानी और हिंदुस्तानी फन मुसवरी के इम्तजाज को मुगल मुसवरी भी कहा जाता है। मुगल मुसवरी में 1400 के लगभग तैमूर की फतवाहत के बाद एक नया बाब शुरू हुआ। उसका बेटा शाहरुख और पोता हुसैन बाकरा मशहूर मुसवर खलील मिर्जा और कमालुद्दीन बहजाद के सरपरस्त थे। ये दोनों मीना तौरी मुसवरी में अजीम तरीन नाम है। नफासत से बनी हुई शिबिया, रवायती सजावटी कुदरती मनाजर, पहाड़ियाँ, बुलंद उफक तनाजर का रवायती इजार, ये चंद खसूसियात इन मुसवरी की इम्तियाजी शान थी। जिस जमाने में बाबर ने हिंदुस्तान फतह किया, बहजाद का सितारा इकबाल मिराज कमाल पर था। उसका अंदाज मेरे कमाल था। नकदीन फन बाबर और उसके मसाहिबीन और इसके बाद जब हमायूं जिलावतनी के दिन गुजारकर ईरान से हिंदुस्तान आया तो चुगताई शरफा ने भी हिंदुस्तानी नक्काशियों के सामने बहजाद को उस्ताद के तौर पर पेश किया। उसके नकोश कदम पर हिंदुस्तानी नक्काश चलें और उसकी तर्ज मुसवरी की तकलीद करें। चुनचा बहजाद और उसका मकतब हिंदुस्तानी मुसवरों के लिए एक मिसाल बन गया था और इस तरह तैमूरी मकतबे ख्याल के अनासर ने अजंता की रवायत में लवंद लगाया। नाजरीन, खानदान मुगलिया के नहायत ही दलेर और बहादुर बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इस वजह से खास शोहरत हासिल है कि वो हर शय का गहरी नज़र से मुशाहदा करता था और फितरत के हसन व जमाल में इंतहाई दिलचस्पी लिया करता था। तो उसके बापरी में जो तस्वीर मिलती है उनसे साबित होता है कि वह मुसवरी की बड़ी हौसला अफजाई किया करता था। प्रोफेसर एनन लाग के मुताबिक बाबर को मुसवरी से दिलचस्पी थी। वो अपने आबाओ अजदाद के कुतुब खानों से जितनी उमदा किताबें ला सकता था अपने साथ ले आया था। इनमें से बाज़ किताबें नादर शाह दहली पर फतह पाने के बाद वापस ईरान ले गया। मजकूरा किताबों के कलमी नुस्खों का हिंदुस्तान के फन मुसवरी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा।